हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये गोल्ड का चार्ट है और कल के दिन में जब मैं लाइव आया था और लाइव में मैंने ये ट्रेड दी थी आफ्टर न्यूज़। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कल मार्केट ने पहले स्टॉप लॉस को खाया, मार्केट इधर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और मार्केट 2000 रन के पास जाती है और वापस से ये स्टॉप लॉस खाती है और स्टॉप लॉस खाने के बाद ये वापस से अपसाइड मूव करने लगती है। तो फ्रेंड, जैसे ही ये इस सपोर्ट को ये ब्रेक करती है और हम यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, और हमने बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था कि अगर स्टॉप लॉस हमारा लग भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जब स्टॉप लॉस यहाँ पे खाया था और जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो तभी ये समझ आ गया था कि मार्केट अब अपसाइड को मूव करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वैसे तो मैं इस सबसे छोटे वाले एक्चुअली स्कैल्प हमने स्कैल्पिंग हम जा रहे थे कि ये वाला टारगेट तो हमें मिल ही जाएगा, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इस लेवल के पास गया और इस लेवल को भी ब्रेक किया। आप देखेंगे बैक टू बैक इसने सारे लेवल को ब्रेक कर दिया। और फ्रेंड्स, हमने तो छोटा टारगेट सोचा था, स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा था, लेकिन हमें टारगेट बहुत बड़ा मिला। आप देखेंगे हमने यहाँ पे जाके टारगेट बुक किया 2081 के पास, और मार्केट 2088 के पास गया और यहाँ से रिटेस्ट करके 2081 के पास वापस से आया। तो 2088 से ये रिटेस्ट किया क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस में आप देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से देखेंगे 2 बार नीचे की तरफ आया है, तो एक हो गया, 2 हो गया, अभी तीसरी बार है। और मंडे के दिन में हम ये देखेंगे कि ये सपोर्ट को 2081 को सपोर्ट बना के 2088 को ये ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 2088 को ब्रेक कर देता है तो फ्रेंड्स, हमें जो टारगेट मिलेगा बहुत बड़ा मिलेगा। वो टारगेट हमारा क्या हो सकता है? पहले तो 2100 का टारगेट है, फिर ये जो प्रीवियस इसने हाई बनाया है, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस टारगेट को भी ये तोड़ दे इस बार, क्योंकि इसने बहुत टाइम लिया 2088 के पास आने के लिए। आप देखेंगे पिछले काफी टाइम से मार्केट जो है, लास्ट टाइम ये 28 दिसंबर के पास के यहाँ पे था, और उसके बाद देखेंगे दिसंबर के बाद अभी मार्च आ गया है, मार्च में जाके वापस यहाँ पे आया है। इसके पहले मार्केट ने काफी टाइम लिया, बहुत टाइम लिया, यहाँ पे लोगों ने छोटा छोटा प्रॉफिट बनाया, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाया, लेकिन कल के दिन में लोगों ने बहुत ज्यादा लॉस किया होगा। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, बहुत लॉस लिया होगा, क्योंकि कल मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया था। लगभग कह सकते हैं कि 40 से $45 का मूवमेंट आया, तो जितना भी लोगों ने कमाया इधर सब यहाँ पे दे दिया होगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए कहा जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, आपका स्टॉप लॉस $2 $3 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 40 $40 $45 $45 का अगर स्टॉप लॉस दोगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर जाएगा तो हमें दूसरा ट्रेड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल के दिन में हम लोगों ने 2 ट्रेड लिया था, गोल्ड में लिया था, दूसरा BTC में लिया था। BTC का भी मैं एनालिसिस करूँगा अगले वीडियो में, इस वीडियो में हम गोल्ड के बारे में ही बात करेंगे। तो मंडे के दिन में फ्रेंड्स, हम यही देखेंगे कि ये मंडे के दिन में तो वैसे जहाँ तक मेरी है कि ये मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और इसके बाद जो है ये अपसाइड मूव करेगा, क्योंकि गोल्ड बिल्कुल बुलिश है और इसने काफ़ी टाइम लिया यहाँ पे आने का। इस बार पूरे चांसेस हैं कि ये 2088 को ब्रेक कर देगा, और 2088 को ये ब्रेक करेगा तो हम जो है अपसाइड का प्लान करेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो फिर हम सेल साइड ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यही है मेरा एनालिसिस। मंडे को फिर मिलते हैं लाइव में। मैं 6 बजे के शाम 6 बजे लाइव आता हूँ इंडिया टाइम के हिसाब से, और 6 से 9 की मेरी लाइव होती है, तो आप उस लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी उस टाइम पे मार्केट में चल रहा होता है मैं अपडेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़रूर उस लाइव को ज्वाइन करें, आपकी काफ़ी हेल्प होगी, और जो भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ मुझे खुशी होगी। तो लाइव को ज्वाइन करें और मंडे को मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।